आखिर कब मिलेगा कायपोछे के ईशान को इंसाफ? आखिर क्यों दुनिया को अलविदा कहने पर मजबूर हुए पीके के सरफराज? आखिर चल क्या रहा था केदारनाथ के मंसूर खान की जिंदगी में? ये तमाम अच्छी बातें जो सुशांत ने अपनी हिट फिल्म छिछोरे में कही थी, क्या वो पूरी तरह से झूठी थी? ये तमाम सवाल आज सभी के जहन में चल रहे हैं। CBI और ED इस मामले की जांच में जुटी हुई है और इसी क्रम में सुशांत के फ्लैटमेट सिद्धार्थ पिटानी से भी ED ने पूछताछ की है। एक रिपोर्ट देखिए। सुशांत सुसाइड केस में बिहार पुलिस और मुंबई पुलिस के बाद CBI जांच कर रही है। इसी मामले में ED मनी लॉन्ड्रिंग के तहत भी जांच कर रहा है और बीते दिन ED ने रिया चक्रवर्ती से लगभग 9 घंटे पूछताछ की। इस दौरान उनसे उनकी संपत्ति और सुशांत के बिजनेस को लेकर भी पूछताछ हुई है। साथ ही रिया के भाई शौविक चक्रवर्ती से भी ED ने पूछताछ की। कहा जा रहा है कि रिया ने ED की जांच में सहयोग नहीं किया है, इसलिए रिया को एक बार फिर ED पूछताछ के लिए बुला सकती है। खैर, ED ने सुशांत के फ्लैटमेट सिद्धार्थ पिठानी से भी पूछताछ की, लेकिन इस बीच महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल किया है। महाराष्ट्र सरकार ने CBI जांच का विरोध किया है। ऐसे में दायर अपने जवाब में महाराष्ट्र सरकार ने बिहार सरकार पर कई आरोप लगाए हैं। महाराष्ट्र सरकार ने कहा है कि ये मामला बिहार के अधिकार क्षेत्र में नहीं है, क्योंकि घटना महाराष्ट्र में हुई, इसलिए जांच का अधिकार महाराष्ट्र पुलिस का है। लेकिन बिहार सरकार ने नियमों के खिलाफ जाकर काम किया है। बिहार सरकार के पास केवल 0 FIR दर्ज करने का अधिकार था, उन्हें FIR दर्ज कर हमारे पास भेजना चाहिए था। महाराष्ट्र सरकार ने ये भी कहा कि FIR दर्ज कर बिहार पुलिस ने जांच शुरू कर दी, जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं है। जब जांच ही गैर कानूनी है तो बिहार सरकार CBI जांच की अनुशंसा कैसे कर सकती है? केंद्र ने भी CBI जांच की सिफारिश मानकर गलत किया। आपको बता दें कि बिहार सरकार की तरफ से सुशांत सिंह मामले में CBI जांच की सिफारिश का महाराष्ट्र सरकार सेना विरोध शुरू से ही कर रही है। वहीं सुशांत के पिता KK सिंह ने भी रिया चक्रवर्ती की केस ट्रांसफर याचिका के जवाब में सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है। सुशांत के पिता का कहना है कि रिया ने सुशांत के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी पर दबाव बनाया। उन्होंने हलफनामा में कहा कि रिया की याचिका में कोई मेरिट नहीं है, लिहाजा इसे खारिज किया जाए। सुशांत के पिता ने रिया पर आरोप लगाया कि उन्होंने गवाहों को प्रभावित करना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि रिया चक्रवर्ती ने सुप्रीम कोर्ट में बिहार पुलिस से सुशांत का केस मुंबई ट्रांसफर कराने के लिए याचिका दायर की थी, जिसके जवाब में KK सिंह ने हलफनामा दायर किया है। खैर, ED अपना काम कर रही है और इस मामले में और क्या क्या खुलासे होते हैं ये देखना होगा। GB लाइव की रिपोर्ट।